हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। तो गाइस, हम बहुत दिन के बाद आपको फिर से वीडियो लेकर आए हैं, और आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो गाइस, हम आप मतलब बहुत पहले एक क्लिप रिकॉर्ड करके रखे हैं अपने गांव का, जो कि इंडिया के मतलब पहले ट्रेडिशनल था और खुद का मतलब एक बनाया जाता था घर पे सेवैयाँ और दादियों के द्वारा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वो पहले के टाइम में दादियों कैसे सेवैयाँ बनाती थी और अब भी गाँव में बनाया जाता है। और एक क्लिप मैंने अप्रॉक्स समथिंग 1 या 1.5 महीने पहले रिकॉर्ड करके रखा था। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा मतलब दादी मेरे कैसे बना रही थी सेवैयाँ। और आजकल पे तो मशीनें भी लगी हैं बहुत अच्छे से, मतलब तुरंत आपको मिल जाती है सेवैयाँ कैसे बनती है वगैरह वगैरह सब कुछ मार्केट में आ जाते हैं। पर गाँव का जो खुद से आटा के द्वारा बनाता है वो कैसा होता है, तो चलिए आप दिखाते हैं। तो अभी हमारा मेरे सामने आप देख रहे हो, मतलब मेरे तो भी आप देख सकते हो, ये गांव का आटा जो कि खुद बना जाता है, खेत वाला खरीदा हुआ नहीं है। और ये मशीन तो आपको दिखाएंगे अच्छी तरीके से। ये जो छोटी छोटी मेरी दीदी लोग हैं जैसे चला रही हैं, और शायद कुछ ज़्यादा इसमें मतलब दम लगाना पड़ रहा है। और इसमें छोटा छोटा आटे का लोई लिया रहता है और इसमें ऐसे फिल किया जाता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो फिल किया जा रहा है और ऐसे ये बनता है। और नीचे से आपको दिखा दें कि कैसे इनके होता है। कुछ टाइम के बाद एक बार हम कुछ चलाते हैं तो ऐसे कुछ चलाया जाता है और निकलता है। लो चलाओ चलाओ लो। और इसे इतना टाइटली टाइट किया जाता है कि गिरे ना। नीचे से यहाँ पे टाइट करने का भी स्क्रू है, आप देख सकते हो। और इसके बाद ऐसे सिंपली धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको धूप में डाल के बना बना के खाया जाता है। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। और कैसा लगा अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।